सुमध्यान नमस्कार बेटा, आप सभी को कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिलहाल हम अपने स्पर्श के पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम कविता जो कवि अरुण कमल के द्वारा लिखित है उसका अध्ययन और अध्यापन करेंगे। अरुण कमल एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने बड़े ही सामान्य विषय पर काव्य रचना की और इसी सामान्य विषय को इन्होंने किस तरह से सामान्य से विषय की विशेष की ओर उन्मुख कर दिया, कुछ ऐसे ही सामर्थ्य से भी हम परिचित होंगे। तो बढ़ते हैं अपने इसी कवि के जीवन परिचय से संबंधित। तो इनका जन्म जो है बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज गांव में 15 फरवरी 1954 को हुआ। इन दिनों ये पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, यानी अब तो जबकि इन्होंने अपने पद से जो है रिटायरमेंट ले लिया होगा, क्योंकि उम्र दराज व्यक्ति हैं तो 60 की उम्र के पश्चात जो है एक सरकारी महकमे से आपको बहुत ही जल्द रिटायर्ड भी कर दिया होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में पटना विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक है नहीं, बल्कि ये पटना यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्होंने काव्य लेखन के अलावा कई पुस्तकों और कई रचनाओं का ट्रांसलेशन भी किया। अब ये कौन सा ट्रांसलेशन किया मैं आपको बताऊं, जब अपने छोटे थे तो अपने किसी एक नाटक देखा करते थे, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, है ना, क्या नाम था उसका, मोगली, है ना। तो मोगली जो है वो है तो हॉलीवुड की रचना, लेकिन इसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया हिंदी में, और हिंदी में इन्होंने मोगली जो द जंगल बुक है उसका हिंदी में अनुवाद किया। अनुवाद करना यानी ट्रांसलेशन, अर्थात उसका नया भाषा में पूरा रूपांतरण करना, ठीक है। तो अरुण कमल जी की महत्वपूर्ण कृतियों यानी रचनाओं के नाम भी दिए गए हैं। अरुण कमल जी की प्रमुख कृतियां हैं केवल अपनी धार, सबूत नए इलाके में, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसके अलावा उतली में संसार, ये हैं इनके काव्य संग्रह, यानी यहाँ इन्होंने अपनी पोइट्री का एक पूरा कलेक्शन रखा है, ठीक है। इसके अलावा कविता और समय, ये आलोचनात्मक कृति है, यानी इन्होंने इस रचना में किसी का साहित्यकार या लेखक के द्वारा दिए गए पहले विचारों का धीरे धीरे क्या किया है, विरोध किया है, और विरोध के जरिए इन्होंने वहां पर क्रिटिसाइज करते हुए उसको और हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो टाइटल दिया गया कविता और समय। इनके अलावा अरुण कमल ने, आपने नाम सुना हुआ है माइकोबियस की, उनकी द्वारा लिखी गई जो उनकी आत्मकथा है यानी उनकी बायोग्राफी, और जंगल बुक, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जंगल बुक, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, मोगली आका, इन्होंने हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया, जो वॉइसेस के नाम से जाना जाता है। अरुण कमल की कविताएं जो है उनकी खासियत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अरुण कमल की कविताओं की खासियत है नए बिंब। अब मैं ये पूछूं कि बेटा बिंब किसे कहते हैं, तो हमारे बच्चे एक बार तो अटक जाएंगे कि ये क्या होता है, पूछा जाए। मैंने आपसे कहा कि बताइए यहाँ ये शब्द दिया गया नए बिंब क्या अर्थ होता है। हाँ जी आर्यन, क्या कहते हैं बिंब का क्या अर्थ होता है बेटा? मैम प्रतिबिंब का मतलब होता है अपनी रिफ्लेक्शन, और बिंब का मतलब जैसे हम सामने वाले किसी को देख रहे हैं तो हमारा विजन, विजन जिसे हिंदी के अर्थ में हम कह सकते हैं कि नए प्रतीक जिसे कह सकते हैं, है ना, नए प्रतीक इन्होंने काम में लिए। मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा एक इमेजिनेशन करते हैं अपन कि बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ जो है नीचे धरातल पर बने हुए तालाब में अपने आकार को देख रहा है, यानी जो तालाब था वो क्या बना, वो उसके लिए एक आईना बन गया। तो मैंने जैसे अभी आर्यन ने बताया, सोनगरा ने, कि रिफ्लेक्शन जो होता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, रिफ्लेक्ट तो हो रही है वहां पे उसका पूरा का पूरा दृश्य, यानी पहाड़ अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, लेकिन प्रतिबिंब को वहां अभिव्यक्त करने के लिए
उस तालाब के लिए कवि ने एक नया शब्द काम में लिया। क्या कहा? कहा, पहाड़ के चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब उसको किसके समान बता दिया? दर्पण जैसा। तो जब आप किसी विशेष वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए, वहां कोई नए शब्द जब काम में लेते हो, उसे कहते हैं नए प्रतीक और नए बिंब। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा आप लोगों को। बिंब का अर्थ होता है नए प्रतीकों का प्रयोग किया। उदाहरण के तौर पे जब कंपैरिजन की जाती है किसी चीज की, किसी दूसरी चीज से तुलना की जाती है, तो वहां नए बिंब यानी नए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया। बोलचाल की सामान्य भाषा रही है, जब आप पढ़ोगे तो अपने आप पता चलता जाएगा कि हाँ कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का भी इन्होंने समावेश किया। यानी खड़ी बोली कौन सी? हिंदी। हिंदी में इन्होंने किस तरह से राइमिंग वर्ड्स लिए जाते हैं, किस तरह से काव्य लेखन के लिए मुख्य नियमों का पालन किया जाता है, उन सभी चीजों को भी इसमें शामिल किया। जैसे जैसे मैं छंद का अर्थ बताऊं तुम्हें, हम छंद कईयों के नाम लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कबीर दास जी के दोहे, रहीम दास जी के दोहे और मीरा के पद। तो ये पद, दोहे, ये क्या है? ये छंद है। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं इनको। छंद होता है काव्य लेखन का एक नियम या तरीका। ठीक है, तो इनकी कविताएं जितनी आप बीती है उतनी जग बीती भी है। बिल्कुल बात सही है, आप बीती जितनी है उतनी ही जग बीती है। क्यों? क्योंकि जो संसार में इन्होंने घटित होता देखा है उस चीज को इन्होंने स्वयं भोगा है। खुद पर बीतना आप बीती और पूरे संसार में बीतता हुआ देखना जग बीती। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन के प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। जैसा कि इनकी पहली कविता नए इलाके में इस बात को जो है अभिव्यक्त किया गया है। मतलब जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों में भी इन्होंने काव्य लेखन कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी कविता में शोषण मूलक व्यवस्था यानी जो किसी निम्न या अभावग्रस्त वर्ग का और ज्यादा शोषण कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, उसको गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं, इन चीजों का विरोध किया। और विरोध करते हुए इन्होंने क्या किया? विरोध करते हुए इन्होंने वहां पर उस चीज के खिलाफ अपनी आक्रोश, अपनी नफरत और पलट कर उस पे एक नई अच्छी व्यवस्था का निर्माण करना, इन सारी चीजों की आकुलाहट यानी व्याकुलता और बेचैनी दिखाई है। यानी वो बताते हैं कि ये चीजें जो है हमारे समाज के लिए बहुत घातक है और इसलिए जहां तक मेरा प्रयास है मैं अपने इस प्रयास के द्वारा इस व्यवस्था में बदलाव ला करके एक अच्छी व्यवस्था कायम करना चाहूंगा। जैसा कि उदाहरण देती हूँ मैं आपको, हमारे पीएम जी हैं जो वो कहते हैं कि एक अच्छे राज्य की, एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। तो गांधी जी ने भी इस चीज को स्वीकार किया था, वो भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना चाहते थे। यानी जो व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ बोल करके उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था कायम करने का सुनहरा स्वप्न देखना और उसको स्थापित कराने के लिए खुद छटपटाना, वही व्याकुलता इनके अंदर भी दिखाई दी। हमारे सिलेबस में इनके द्वारा लिखी गई दो कविताएं हैं। पहली कविता नए इलाके में, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला नए इलाके में तो तुरंत दिमाग में आता है हाँ कोई ऐसा एरिया है जहाँ नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उस वर्क के थ्रू लोग जो हैं वो अपने अपने नए रहने के लिए घरों का निर्माण कर रहे हैं, कई बिल्डिंग बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, कहीं मतलब कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है ना। यानी कवि कहते हैं कि नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो दुनिया एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यानी एक क्षण क्या होता है उसका भी भरोसा नहीं, कुछ ऐसा घटित होता है कि पुरानी चीजें जो है वो अपने आप ही समाप्त होने लगती है और उसका स्थान नई चीजें ले लेती हैं और यही नई चीजें कुछ नया वहां पर स्थापित करती हैं। तो यानी
पूरा जो क्षेत्र है वो नवीनता का समावेश कर लेता है और इसी कारण पुरानी जो दुनिया है वो और ज्यादा पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का भी बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल सही है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। क्या मतलब है? देह कैसी है? अनित्य, नश्वर है। अनादि जीव, जीव यानी आत्मा, आत्मा कैसी है? अनादि, जिसका ना शुरुआत होता है ना अंत होता है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है ये नश्वर है, ये हमें जो कुछ भी दिखाई देता है सब माया का बंधन है और एक ना एक दिन यह सब छूट जाना है और व्यक्ति जो है जिस परम शक्ति से उत्पन्न हुआ है उसी परम शक्ति में फिर से विलीन हो जाएगा। यहाँ इस अलौकिक अर्थ को भी कवि ने अभिव्यक्त किया है। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। स्मृतियां यानी पुरानी निशानियां, पुरानी यादें। अब हर कोई व्यक्ति उसी के भरोसे बैठा रहेगा तो ये पूरा जो संसार है ये आगे अग्रसर होगा क्या? ये उन्नति के पथ पर आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में स्थाई कुछ भी नहीं है, इसलिए पुरानी यादों के भरोसे मत बैठो। अब बात आती है दूसरी कविता। दूसरी कविता का यहाँ टाइटल दिया गया खुशबू रचते हैं हाथ। अब बताइए हाथ खुशबू रचते हैं, यानी कवि ने बताया है कि संसार जो है उसके अंदर पूरे लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट कर दिया, अलग अलग लेवल्स में उनको डिवाइड कर दिया। कुछ हाई लेवल वाले हैं, कुछ मीडियम लेवल वाले हैं और कुछ लोअर कैटेगरी है, ठीक है। और लोअर कैटेगरी में भी कैसे, यानी निम्न से भी निम्नतम अभावों में जीवन जीने के लिए मजबूर होने वाले लोग हैं। वे कौन से लोग हैं तो कवि क्या बताता है, देखो खुशबू रचते हैं हाथ कविता सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह है किसकी और कैसी कारस्तानी है जो इस पूरे वर्ग जो समाज के अंदर सौंदर्य की सृष्टि करता है, यानी खूब अच्छी सुंदरता का समावेश करता है, पूरे समाज को खुशहाल बनाता है, वही वर्ग अभाव में और गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। कैसी कैसी गंदी परिस्थितियों में झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोग रहते हैं, वहाँ का आसपास का वातावरण बिल्कुल भी, एक तो एनवायरनमेंट वहाँ का हेल्दी नहीं होता, क्लीन नहीं होता, है ना। तो वहाँ पे क्या है, दुर्गंधयुक्त वातावरण में रहने के लिए वो मजबूर हो रही है, है ना। तो क्या कहा कवि ने, कवि कहते हैं लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ जो है वो भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। बताओ क्यों, क्या बनाते हैं वो? अगरबत्ती निर्माण। और अगरबत्ती जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर थोड़ा सा जला दिया जाए तो वो धीरे 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 धुआं बिखेरते हुए पूरे वातावरण को सुगंधित बना देता है, यानी अन्य लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले जो हाथ हैं वो भयावह है, यानी बहुत भयंकर स्थितियों में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित क्यों हैं? उपेक्षित का अर्थ होता है उनको इतना नेगलेक्ट करके क्यों रखा गया है, उनके प्रति इस तरह का जो है व्यवहार क्यों दिखाया जाता है कि समाज से बिल्कुल अलग इलाकों में उनको रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। आखिर कब तक और ये क्रम कब तक चलेगा, इसके विषय में भी कवि हमारे समक्ष एक प्रश्न उपस्थित करता है। तो चलिए पहले हम कविता पढ़ेंगे खुशबू रचते हैं हाथ। देखो मैंने अभी आपको बताया कवि ने जो भाषा काम में ली है वो बहुत सामान्य है, आम बोलचाल की भाषा, लेकिन बीच बीच में लय और छंद का प्रयोग है। लय यानी राइमिंग वर्ड्स, रिदम जो होती है, और छंद यानी कविता निर्माण करने के कुछ नियम जिनका भी यहाँ इन्होंने पालन किया है। क्या कहते हैं कवि, ध्यान से सुनना। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ।
ध्यान से सुनना, मैंने कहा आम बोलचाल की भाषा का कवि ने इस्तेमाल किया है। कवि क्या कहते हैं, कवि अरुण कमल सामाजिक विषमता को हमारे सामने बेनकाब करते हुए बताते हैं कि हमारे ही समाज का एक वर्ग अभावों में जीने के लिए मजबूर है और जब तक उनके सुधार के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक उन परिस्थितियों में किसी तरह की कोई सुधार की गुंजाइश भी नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि कवि के अनुसार जब सुविधा संपन्न लोगों की जो क्षेत्र है उससे कई गलियां पार करने के बाद, कई नालों को लांग जाने के पश्चात, कूड़े और कचरे के बड़े से ढेर के बाद, जहां बहुत दुर्गंध युक्त वातावरण है, वहां समूह के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात लोग जो है समूह के अंदर खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्ती का निर्माण करने का कार्य करते हैं। कई गलियों के बीच यानी सुविधा संपन्न समाज के क्षेत्र से कई गलियां पार करके, कई नालों के पार और कई गंदी नालियों को लांग करके, कूड़े करकट के ढेरों के बाद यानी कचरे के खूब सारे ढेर पार करने के पश्चात, बदबू से फटते जाते हाथ, बदबू से फटना यानी दुर्गंध युक्त वातावरण में, टोले के अंदर यानी समूह के भीतर खुशबू रचते हैं हाथ अर्थात अगरबत्ती निर्माण का कार्य करने वाले लोग रहते हैं, अगरबत्ती निर्माण का कार्य करने वाले लोग रहते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी, ये बताइए कि वे लोग जो हैं कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे कि साफ दिया गया है सुविधा संपन्न जो लोग हैं, जो खूब अच्छी इमारतों में खूब सुविधाओं में रहते हैं, उनके इलाके से कई गलियां निकल जाने के, कई नालों को लांग कर देने के और कई कचरे के ढेरों को पार कर लेने के बाद, बहुत गंदा और दुर्गंध युक्त वातावरण जहां समूह के भीतर अगरबत्ती का निर्माण करने वाले लोग रहते हैं। अब उन लोगों की स्थिति क्या है, कैसी कैसी बेचारे बहुत कंडीशन में, खराब कंडीशन में रह रही हैं, उस खराब कंडीशन की तरफ भी हमारा ध्यान कवि ने आकर्षित किया है। ध्यान दीजिएगा कवि ने क्या कहा, तो हम पढ़ते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ। क्या कहा कवि ने कि ऐसे लोगों के जो हाथ हैं वो बहुत ज्यादा परिश्रम करने के कारण, बहुत ज्यादा कार्य करने के कारण, हाथों पर जो नसें हैं यानी हाथ के भीतर की जो नाड़ियां हैं वो उभरी हुई यानी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है और खूब अधिक कार्य करने के कारण उनके हाथों के नाखून भी घिस चुके हैं और कवि कहते हैं कि वो अभावों में जीवन जी रहे हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। इस वजह से देखो नए बिंब बोला था ना, नए अलग अलग प्रतीक काम में लेना, यानी उनकी अभावजनक स्थिति की तुलना और उनकी गरीबी की तुलना की वजह से वो जितने कमजोर हैं, जितने दुर्बल हैं, उस चीज को, उस कंडीशन को उन्होंने कंपैरिजन किया है किससे, पीपल के पत्ते से। तो कवि क्या कहता है कि जिस तरह से पीपल का पत्ता बहुत पतला और हल्का होता है और उस पेड़ पे नए नए पत्ते पुराने झड़ते हैं और नए आते आते शामिल होते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ जो लोग रहने वाले हैं अभावों में जीवन जीने के कारण, सुविधाहीन होने के कारण, बहुत ज्यादा पीपल के पत्ते के समान कमजोर और हल्के दिखाई देते हैं और नए नए हाथ, जिस तरह से पेड़ के ऊपर नए नए पत्ते आते हैं और पुराने झड़ जाते हैं, उसी तरह से कई नई पीढ़ियों के हाथ यानी कई नई पीढ़ियां जो है, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी इस कार्य में अपने हाथ जो है वो जोड़ते रहते हैं, अर्थात इसमें, इस कार्य में सहयोग देते रहते हैं।
दूसरी पंक्ति उन्होंने बताई जूही की कली से। अब वो क्या बनाते हैं? अगरबत्ती का निर्माण। तो कभी कहते हैं जिस प्रकार जूही की डाल पर से खुशबू आती है, उसी तरह से उनके हाथों में भी अगरबत्ती निर्माण के लिए लेप हाथ में लिया जाता है, इसीलिए उनके हाथ भी बहुत खुशबूदार होते हैं। तो यहाँ कवि ने तुलना की किससे? एक तो उनकी कमजोरी की वजह से पतले हाथ जो है पीपल के पत्ते से, नए नए हाथ, और दूसरा उनके जो हाथ है वो खुशबू बिखेरते हैं, तो उन्होंने कहा जूही की दाल से खुशबूदार हाथ। अब उनकी ओर जा, जो क्रिटिकल कंडीशन है उनकी तरफ हमारा ध्यान बताते हुए कवि कहते हैं, ध्यान से सुनना, देखो हाथों की क्या स्थिति है। गंदे कटे मिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। क्या कहा कि वहां की गंदगी की वजह से उनके हाथ जो है जगह जगह से कटे फटे दिखाई देते हैं, जख्म से फटे हाथ, और हाथों की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे हाथ में जहां थोड़ा बहुत भी जो कटे पिटे हैं वहां जख्म जैसा हो गया। जख्म यानी घाव, यानी जहां से उनके थोड़े भी हाथ कटे फटे हैं वहां उनके घाव हो चुका है, और घाव की वजह से पूरा हाथ और ज्यादा फटा हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी समाज में सुगंध और खुशबू को जो है फैलाने वाले ये जो हाथ है, ये अगरबत्ती निर्माण का कार्य करते हैं। अब ध्यान से पढ़ना, देखो आगे क्या कहते हैं। किस किस सुगंध में ये अगरबत्ती बनाते हैं? यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी की अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो क्या कहा कवि ने? कवि कहते हैं कि यहाँ इस गली में, यानी जब सुविधा संपन्न इलाके में से आप झुग्गी झोंपड़ियों वाले स्वभाव वाले इलाके में चले जाओगे, तो एक निश्चित गली के अंदर मुल्क यानी पूरे क्षेत्र विशेष की मशहूर यानी प्रसिद्धि प्राप्त अगरबत्तियां बनाई जाती है। और बनाने वाले कौन है? यही के गंदे मोहल्ले में यानी दुर्गंध युक्त वातावरण में गंदे लोग, अर्थात दुर्गंध में रहने के लिए मजबूर जो लोग हैं, वो बनाते हैं अगरबत्ती, बनाने का कार्य करते हैं। और कैसी अगरबत्ती? जिसमें केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी आदि फूलों की सुगंध शामिल की गई हो, अर्थात केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की सुगंध से सुगंधित अगरबत्ती निर्माण का कार्य किया जाता है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, यानी दुनिया भर में सुगंध बिखेरने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वो दुनिया की एक तरफ सारी गंदगी से परिपूर्ण वातावरण में रहने के लिए मजबूर है, अर्थात दुनिया की दुर्गंध युक्त वातावरण की गंदगी में वो सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती का निर्माण करने का कार्य करते हैं। और अंत में वही दो पंक्तियां, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात ऐसे व्यक्ति अभाव में रहते जरूर हैं, लेकिन पूरे समाज को सुगंध बिखेरने वाली अगरबत्ती का निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि उनको इतने दुर्गंध युक्त वातावरण में रहने की क्या मजबूरी है? तो ये वे लोग हैं जो और किसी व्यवसाय में अपनी किस्मत को नहीं आजमाते हैं, छोटे मोटे इन उद्योगों में ही अपने कार्य को करते हैं और उसी के अंदर कार्य करके जो मेहनताना मिलता है उसमें संतुष्टि प्राप्त करते हैं। गंदे और कटे फटे और जख्म से पीड़ित हाथ क्यों हैं? क्योंकि जब भी वो अगरबत्ती का निर्माण करते हैं तो अगरबत्ती निर्माण के लिए जो लेप तैयार किया जाता है उसमें कई रसायनों का प्रयोग किया जाता है, यानी केमिकल जो है वो उसमें बहुत होते हैं। रासायनिक पदार्थों का योग होने की वजह से उनके जो हाथ है उसमें रासायनिक पदार्थों के उस लेप को हाथ से कार्य में लेने के कारण उनके हाथ जो है जगह जगह उसके रिएक्शन के कारण, उसकी प्रतिक्रिया के कारण फटे हुए दिखाई देते हैं। कौन कौन सी सुगंध से परिपूर्ण होती है वो
अगरबत्तियां तो केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। अच्छा ये बताइए, ये अगरबत्ती निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो बताया गया जहाँ सुविधा संपन्न इलाके के लोग जो रहते हैं उनसे दूर कहीं जाकर के किसी एक निश्चित गली के अंदर समूहों के भीतर रहते हुए इस पूरे इलाके की मशहूर अगरबत्ती का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने, हाँ सुखदेव क्या पूछ रहे हो बेटा? तो इस प्रकार हम कहते हैं कि अरुण कमल ने नवीन बिंब और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए एक सामान्य से विषय को बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। यानी अंत में ये खुद इस चीज को हमारे सामने प्रश्न के रूप में उपस्थित करते हैं कि आखिर कब तक, यानी कब तक इनका यूं ही शोषण होता रहेगा? ये फिर भी समाज में सुगंध बिखेरने का कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी खुद दुर्गंध और बदबूदार वातावरण में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमें इनके उद्धार के लिए कोई ना कोई प्रयास अवश्य करना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की कविता का अर्थ समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं। यस खुशी बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम जो है ना, आपने कवि परिचय बताया, उस पेज पे ना लास्ट लाइन में लिखा हुआ है विषमताओं, उसका अर्थ क्या होता है? विषमता होता है बेटा जिसमें अपन बोल सकते हैं, जिसे अपन डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी यानी वो समाज के अंदर जो विभिन्नता दिखाई देती है, और विभिन्नता तो यहाँ अलग अलग होना है, लेकिन विषमता का अर्थ होता है जिसे आप इकोनॉमिक या फाइनेंशियल लेवल में कह सकते हैं अनइक्वेलिटी। यानी कुछ लोग सुविधाओं में रहते हैं और कुछ लोग गरीबी में जीवन गुजर करने के लिए मजबूर है, ये होती है विषमता। और मैम उसी लाइन में ना लिखा हुआ है कारस्तानी। हाँ उसका अर्थ? एक मिनट, कारस्तानी मैंने कहा। यस मैम, ये हाँ स्क्रीन पे है यहाँ पे कि इन्होंने विषमता का, सामाजिक विषमता को बेनकाब किया है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है? यानी कारस्तानी यानी कमाल है, यानी ये किन लोगों का ऐसा कमाल है कि जिसकी वजह से ये बताया गया कि एक तरफ जो समाज में सुगंध बिखेर रहा है और खुशहाल मना रहा है, वही बेचारा अभावों में जीवन गुजर करने के लिए मजबूर हो रहा है। यानी मैम शोषण काम किसका है, इस बात का हमें पता लगाना होगा। शोषण का अर्थ होता है जैसे किसी मजदूर को किसी एक आ, 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 लेवल पर जो है काम करवा लिया जाता है, लेकिन उसको उसका उतना मेहनताना नहीं दिया जाता। उसमें से हाँ 75% जो है वो जो मालिक है वो रख लेते हैं और मात्र 25% उनको देते हैं, जिसमें बस उनका एक दिन का ही गुजारा चल पाता है। तो इसकी वजह से क्या है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और समाज में विषमता बढ़ती जा रही है, और ऐसे लोग गरीबी में और मजबूरी के कारण जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा जी। और किसी को? अंजी तमन्ना, गुड आफ्टरनून बेटे। तमन्ना गुड आफ्टरनून बेटे। गुड आफ्टरनून मैम। जी बेटा। मैम वो एक लाइन है, क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले थे हाथ, दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे। मैम इसका मतलब ध्यान से सुनना, क्या यानी क्या, विडंबना यानी दुर्भाग्य है। कैसा दुर्भाग्य है कि खुशबू रचने वाले ये जो हाथ है, ये सुविधा संपन्न समाज से बहुत दूर सबसे गंदे और बदबूदार इलाके में जीवन बिता रहे हैं। समझ गए, जो अभी अपन ने पोएट्री पढ़ी कि खूब सारी गलियों को पार करने के बाद, गलियां कहाँ की, जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जो अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स में रहते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, उनके इलाके से कई दूर गलियां पार करने के बाद ये बेचारे एक अलग से गंदे स्थान के अंदर दुर्गंध युक्त वातावरण में जीवन जी रहे हैं। तो बताओ ये कितनी दुर्भाग्यशाली बात है। ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपनी कल की मीटिंग में। आप जब तक अच्छे से रिवीजन के साथ आना ताकि थोड़ा फीडबैक लिया जाएगा, और कल नए इलाके में हम कविता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर पे चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, टाटा बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
बाय बेटे।